अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल जनाब। सिराज अगेन, और मैं आज बड़े मजे का टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग, आप जानते हैं, ऐसे लोग जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए और वो कैनेडियन डॉलर में कमा रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है जी? हैरान होंगे ना आप, वो लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं कैनेडा के अंदर। यस, कैनेडा में जब हम नहीं आते ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं कि जिसे उर्दू में कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, ठीक है? तो वो वाला चक्कर है। यहाँ पर भी स्कैम्स होते हैं, यहाँ पर भी फ्रॉड होते हैं, यहाँ पर भी लूट लिया जाता है। आज मैं उनके ऊपर बात करूँगा, स्पेशली अगर आप बिल्कुल नए नए ताज़े ताज़े आए हैं या आने वाले हैं या प्लान करें, आप लोगों को बहुत मोहतात रहना है। मोहतात का मतलब है केयरफुल। वो इसलिए रहना है कि आपको ऑफ एंड ऑन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको टेक्स्ट के ज़रिए स्कैम किया जाएगा। आपको एक टेक्स्ट आएगा जिसके अंदर आपको लिखा जाएगा कि आपकी एक कैनेडियन एम्बेसी से टेक्स्ट है, और आपकी पीआर पेपर्स में कोई इशू है, या आपके इमिग्रेशन पेपर्स इनकम्प्लीट हैं, और आप इस नंबर पर रब्ता करें। जब आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो प्रॉपरली आपको एक कॉल सेंटर रिसीव करेगा, और आप उसे बताएंगे कि ये है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको इमिजिएटली जो है वो एक डॉक्यूमेंट पूरा करना है, और एक अदरवाइज एक शॉर्ट पेनल्टी है। अगर वो नहीं तो हम आपका केस पुलिस को रेफर करें। 90% लोग इस बात को सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि शरीफ लोग होते हैं, बहुत मेहनत के बाद कैनेडा आए होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी पुलिस के चक्कर को, तो वो कहते हैं कि जी बताएं, और वो फिर आपको बताते हैं कि आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन इस अकाउंट नंबर पे जाके बैंक में एक ट्रांजैक्शन कर दें, या यहाँ पर एक ई ट्रांसफ़र कहा जाता है, आप बैंक की ऐप के ज़रिए ईमेल या फ़ोन नंबर के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड वंस यू डू दैट, दैट्स इट, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है और आप लुट चुके हैं। तो जनाब, मैं आपको ये बताना चाहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी एम्बेसी इतनी वेली और फारग नहीं होती कि वो आपको कॉल करके ये बताए कि आपकी तस्वीर में मूछें हैं और आप क्लीन शेव हैं। तो प्लीज़ ऐसा करने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेकेंडली जनाब, चूँकि सबको पता है कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते हैं, वो जॉब की तलाश में होते हैं, तो आपको एक जॉब के ज़रिए स्कैम किया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी टेक्निकल, ये गौर से सुनिएगा। आप इंडीड पे, यहाँ पर एक जॉब साइट है, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, गवर्नमेंट की जॉब्स भी इंडीड के थ्रू हायरिंग होती है। होता क्या है कि आपको एक ईमेल आ जाती है कि जी आपको मैनेजर हायर कर लिया, आप खुश हो जाते हैं। अच्छा, फिर आपको वो एक कहते हैं कि जी ये डिस्टेंस वर्किंग प्रोग्राम है, यानी डिस्टेंस वर्किंग मीन यू कैन वर्क फ्रॉम होम, और आपने जो है इसके अंदर आपको चंद बातें नोट करेंगे, नोट कीजिएगा। वो आपको कहेंगे कि इसके अंदर आपने कस्टमर का डाटा जो है वो देखना होगा, कुछ रिपोर्ट्स बनानी होंगी, और आपको चीज़ें मैनेज करनी होंगी, जो प्रोक्योरमेंट है, कौन से आइटम्स बाय करने हैं उनकी लिस्ट बनानी होगी। वो आपको 10 आपको ना जॉब डिस्क्रिप्शन बताएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू 6 or 7 नंबर पे वो आपको एक पॉइंट बताएंगे कि आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी, राइट? दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द की पॉइंट कि वो आपको वहाँ पे स्कैम करेंगे। अब वो स्कैम होता कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। आपकी जॉब शुरू हो जाएगी, आपको लेटर आ जाएगा, वो आपसे प्रॉपर एचआर की तरह सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको वो छोटे छोटे टास्क देंगे जो कि आपको लगेगा कि आधे घंटे, 15 मिनट 20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। कुछ छोटा सा सर्वे करने का कह देंगे कि जी आप मैकडोनल्ड्स चले जाएं और वहाँ जाके देखें सफाई का निज़ाम कैसा है, और उसके बाद इस रिपोर्ट को फिल करके भेजें। बड़ी प्रॉपर रिपोर्ट होगी, आपको लगेगा बड़ा बड़ा लजिटिमेट काम है। अच्छा, उसके बाद आपको 5-6 दिन गुजरेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप ऐसा करें कि अपना अकाउंट नंबर हमें दे दें, हम आपको कुछ बिटकॉइंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आपने वो बिटकॉइंस अपने अकाउंट से निकलवा के दूसरे नंबर पे, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, आप मिडल मैन है, हमने किसी की पेमेंट करनी है आपके थ्रू, राइट? अच्छा, होता क्या है इसके अंदर कि जब आप जाएंगे, अच्छा इसके अंदर वो आपको ये बात बताएंगे कि चूंकि ये एक बड़ी सीक्रेट ट्रांजैक्शन, तो बैंक को नहीं आपने बताना कि ये क्या हो रहा है, राइट? आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आप वो अमाउंट निकलवाएंगे, आप दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे।
आप अपनी तरफ से और ईमेल कर देंगे कि जॉब कंप्लीट। होता क्या है कि बैंक अपनी जो जिस बंदे ने वो अमाउंट ट्रांसफ़र की होती है वो पैसे रिकॉल कर लेता है और बैंक आपके अकाउंट को जो है वो क्रेडिट मार देता है और आपका अकाउंट जितना भी हो, अगर तो उसमें पैसे पड़े हुए हैं तो उन पैसों में से कट जाते हैं, अगर नहीं पड़े हुए तो अमाउंट नेगेटिव में चले जाते हैं और आपको बैंक की कॉल आ जाती है कि जी आपने $10,000 जो ट्रांसफ़र किए थे वो अमाउंट रिकॉल हो गई है, नाउ यू हैव टू पे द अमाउंट। आप तो दूसरे बैंक में या दूसरी कोई ट्रांजेक्शन पेपैल के थ्रू ट्रांजेक्शन कर चुके होते हैं। पेपैल का भी एक बड़ा एक स्कैम है, वो भी मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता आपको। अब मैं बताता हूँ कि रियलिटी क्या होती है। कोई रियलिटी नहीं है। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक तरीक़ेकार है, ठीक है, और ये एक स्कैम है जो कि वो अपने पैसे भी वहाँ से वापस ले लेते हैं, ठीक है, और आपके थ्रू एक दूसरे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो आपको स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं और लूट लेते हैं। इसी तरह का और भी स्कैम्स होते हैं। आगे चलते हैं कॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह आपको कनाडा रेवेन्यू एजेंसी से कॉल आएगी कि आपने टैक्स नहीं पे किया हुआ या आपके टैक्स में फ्ला फॉल्ट है, आप इमीडिएटली हमारे फ्ला अकाउंटेंट से रब्ता करें। और आप जब उस बंदे से रब्ता करेंगे तो आपको कहेगा ये नॉमिनल सी फी आपकी मुझे पे करें और मैं आपका मसला हल कर देता हूँ, राइट। इट्स नथिंग टू डू विद दैट पर्सन। अगेन CRA के पास इतना कोई वेला टाइम नहीं है। पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ मेरी वाइफ जॉब नहीं करती। सो हुआ ये कि उनके नाम पे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपने तो जॉब की है और आपका तो टैक्स फाइल नहीं हुआ और उनके पास सारी डिटेल थी। अब दैट वॉज इफ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो सिस्टम ग्लिच था कि नहीं था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें बकायदा तौर पे रिटन लेटर की सूरत में मौसूल हुई हमारे मेल बॉक्स के अंदर 2-3-4 महीने बाद, जब टैक्स ईयर कम्प्लीट हो उसके बाद रिसीव हुई। और वो हम केस अभी भी लड़ रहे हैं अपने अकाउंटेंट के थ्रू और नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो है ना ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन या ईमेल या इमीडिएट और CRA को बस आपके पैसों, आपने कोई गड़बड़ कर दी तो कनाडा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, आप भी सबसे बड़ी बात है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स। अगर कुछ गलत हो भी गया है गलती से तो पुलिस आ जाएगी तो वो आपको गिरबान से नहीं पकड़ लेगी या घसीट के बाहर नहीं ले जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि यू नो द रूल, यू डोंट नो द रूल। इवन अगर आप एक रोड पे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपसे ओवर स्पीडिंग हो जाती है चंद पॉइंट्स की और पुलिस वाला आपको रोक लेता है एंड यू जस्ट से दैट आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट इन अ फ्लो, मैं फ्लो के अंदर गलती से मेरे से हो गया, 90% चांसेस होते हैं कि वो आपको छोड़ देते हैं एंड दे रीड द फेस, दे नो दैट, वो बंदे को जानते हैं, आंखें देखे, मेरे जैसा शरीफ साफ सुथरा बंदा कुछ नहीं होता, निकल जाता है। सो कॉन्फिडेंट रहें, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आके एकदम आपको पकड़ लेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा और इमिग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी इस फियर से फ़ायदा उठा रहे होते हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज स्कैम्स आपको यकीन नहीं आएगा, साउथ एशिया, आई डोंट वांट टू नेम द कंट्री, इधर से ही हो रहे हैं, साउथ एशियन साइड से हो रहे हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल। पेपैल के बारे में मैं आपको बताऊं, पेपैल का स्कैम भी बड़ा ही टेक्निकल स्कैम है, याद रखिएगा। आप यहां पर आके कोई चीज़ स्पेशली गाड़ी सेल करने के लिए लगाएंगे, आपको एक मैसेज आ जाएगा, आई लाइक योर व्हीकल एंड कैन आई ट्रांसफर यू द मनी, समबडी विल कम एंड पिक अप द व्हीकल। आप बड़े हैरान हो जाएंगे यार, इस बंदे ने ना रजिस्ट्रेशन देखी ना गाड़ी की कंडीशन देखी, कर क्या रहा है। होता क्या है कि वो आपको पेपैल में अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा, दूसरे दिन आके कोई गाड़ी भी पिक कर लेगा आपसे और फिर उसके बाद वो अपनी अमाउंट रिकॉल कर लेगा। सो मैं 2 दफ़ा ऐसा कर चुका हूँ अपनी गाड़ियाँ बेचने के सिलसिले में, मतलब स्कैम से बच चुका हूँ मैं, मतलब है। सो मैंने जिससे भी मशवरा किया, मुझे 2 दफ़ा इस तरह की ऑफर्स आई, मतलब गाड़ी लगाई और शाम में ऑफर आ गई कि जी हम गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार भाई इस तरह तो नहीं होता, क्योंकि मैं पहली दफ़ा तो गाड़ी नहीं बेच रहा, तो मुझे अंदाज़ा था कि क्या होता है। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड है, काफ़ी अर्सा हो गया उन्हें कैनेडा में, उनसे मशवरा किया एंड ही टोल्ड मी द स्टोरी कि डोंट गेट योर सेल्फ इंडल्ज्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ स्कैम, इट्स जस्ट अ स्कैम, ये पैसे रिकॉल कर लेंगे, कोई और मसला बन जाएगा तुम्हारी बैंकिंग में। सो और गाड़ी भी हाथ से चल जा चुकी होगी उस वक्त तक। सो बी वेरी केयरफुल।
ये वो स्कैम्स थे, ये पार्ट वन है। कुछ और भी स्कैम्स हैं, कुछ और भी इस तरह के फ्रॉड्स हैं जो यहाँ पर होते हैं, जिसमें कुछ मोबाइल से रिलेटेड हैं, और जो लोग यहाँ पर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या बिजनेस प्लान से आ रहे हैं उससे रिलेटेड हैं, आपको 8-10 हज़ार डॉलर की लालच दी जाएगी। ये सारा कुछ आप देखेंगे और सुनेंगे पार्ट बी में। थैंक यू वेरी मच।